बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ कहिए बंदी जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए बंदी छोड़ बंदी छोड़ कहिए जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए भूख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में मुख में हो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में विधि का विधान जान हानि लाभ सही ये विधि का विधान हानि लाभ सही ये बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ कहिए बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ कहिए जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा प्यारे वो ही जो श्री राम जी को भाएगा प्यारे वो ही जो श्री राम जी को भाएगा भले आशा त्याग शुभ काम करते रहिए भले आशा त्याग शुभ काम करते रहिए बंदी छोड़ बंदी छोड़ कहिए बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ कहिए जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए बंदी छोड़ कहिए बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ कहिए जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए क्रोध रस त्याग प्यारे राम रस पगिए क्रोध रस त्याग प्यारे
बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ कहिए जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ कहिए जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अभी आप परम विदुषी साध्वी शील दीदी जी से भावनात्मक एवं संतों के मत की बातें सुन रहे थे। शेख फरीद की सेव सम्मन की बहुत ऊंची बातें हैं उनकी। महाराज जी, संतों का जो मार्ग है बहुत ऊंचा मार्ग है। हम लोग वहां तक स्पर्श नहीं कर पाते। बाबा जी कहते हैं, जिस तगड़े दुनिया गई पंडित पीर अनंत, सो हमारे इस काम का पैर धरे नहीं संत। जिस रास्ते पर संसार चल रहा है, जिस रास्ते पर चलकर संसार को शांति नहीं मिल रही, आशाओं में तृष्णाओं में डूबा रहता है, उस रास्ते पर कोई निष्काम हंस चलकर संतों की शरण में आकर परमात्मा के द्वार पर पहुंच जाता है। पर जो दुनिया का रास्ता है, जिस दगड़े दुनिया गई पंडित पीर अनंत, सो हमरे किस काम का पैर धरे नहीं संत। फिर सतगुरु कहते हैं आगे, सतगुरु एक जन्म में नहीं मिलता, और जब सतगुरु मिलता है तो संसार में आवागमन खत्म हो जाता है। बाबा जी कहते हैं, ग्रीव लखबर सूरे छूज ही, लखबर सावंत देह, लखबर जति जहान में तब सतगुर संगत ले। लाखों बार शूरवीर होकर संसार में धर्म की खातर लड़कर मर जाए, इतनी कुर्बानी कर दे। लखबर सूरे छूज ही, लखबर सावंत देह, सावंत कहते हैं समर्थ को। लाखों बार समर्थ शरीर पाकर, जैसे भगवान ब्रह्मा का शरीर है, भगवान विष्णु का शरीर है, भगवान शंकर का शरीर है, ये समर्थ शरीर माने जाते हैं। लखबर समर्थ देह, लाखों बार ऐसे शरीरों में होकर चला जाए। लखबर जति जहान में, लाखों बार लक्ष्मण की तरह इतने संयम में रहकर, भरत की तरह ऐसे संयम में रहकर जीवन यापन करके निकल जाए। जब सतगुर संगत ले, जब कहते हैं, तब भी वो सच्चे सतगुर की संगत के बराबर नहीं है। सच्चे सतगुर की संगत इतना काम करती है, जैसे अभी साध्वी श्री दीदी ने बताया था कि फरीद को तो 36 वर्ष लगे क्योंकि जीवन में सच्चा सतगुरु नहीं मिला। लेकिन फरीद को 36 वर्ष लगे, उधर एक क्षण में उधार हो जाता है। महाराज जी कहते हैं, कोट जग समेत से नहीं हुए दीदार, आधीनी और बंदगी से छिन्न में उतरे पार। कहते हैं ऐसा रास्ता भी है आधीनगी का, बंदगी का, जिसमें एक क्षण में जी पार हो जाता है। लेकिन हम लोग जिन कर्मों में
उलझे रहते हैं उनको पहले समझने की आवश्यकता है। हम लोगों की जो प्रारब्ध है, जिसको हम कहते हैं हमारे पिछले जन्मों में जो बोया था उसको हम काट रहे हैं। लेकिन सतगुरु कहते हैं मासा घटे न तिल बढ़े, बिधना लिखे जो लेख। सतगुरु कहते हैं ना मासा घट सकता है ना तिल प्रमाण बढ़ सकता है, जो बिधना ने लिख दिया हमें भोगना पड़ेगा। और हमारे संसार में हम सब भी इस बात को स्वीकार करते हैं, क्योंकि एक दफा वेद व्यास जी विराजमान थे, जनमेजा ने जाकर प्रश्न कर दिया जब युद्ध समाप्त हो चुका था कि महाराज आप जैसे ऋषि हमारे मार्गदर्शन करने वाले जब उपस्थित थे तो इतना जो नरसंहार हुआ ये क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि जो कर्म में लिखा हुआ था उसको कोई टाल नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने प्रयास किया था, लेकिन पता था कि इतने दिन के अंदर ये संसार खत्म होगा। हम प्रयास कर सकते हैं लेकिन प्रारब्ध अपने रास्ते पर चलता है। तो कहने लगे महाराज मैं इस प्रयास को खत्म करना चाहता हूं, मैं प्रारब्ध को देखना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, और मैं फिर प्रारब्ध को रास्ते से हटाना चाहता हूं। तो जनमेजा कहने लगे मैं तुम्हें बता देता हूं, भगवान व्यास वेद व्यास कहने लगे मैं बता देता हूं तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है, तुम मिटाकर देख लेना। कहने लगे मैं सुनने का इच्छुक हूं और मैं उस पर प्रयास करने का भी इच्छुक हूं। वेद व्यास कहने लगे तुम्हारे राज्य में एक घोड़ा आएगा पर तुम उसे खरीदना नहीं, और तेरा कर्म कहता है कि तू उसे खरीदेगा। अगर तूने खरीद लिया तो उस पर सवारी ना करना, अगर सवारी कर ली बैठ गया उसके ऊपर तो फिर तू उसको लेकर दक्षिण दिशा की साइड में नहीं जाता। लेकिन तेरे कर्म में लिखा है तू बैठेगा भी और उसको लेकर दक्षिण दिशा में जाएगा भी। फिर दक्षिण दिशा में जाएगा आगे एक राजकुमारी मिलेगी, तू उसको घोड़े पर नहीं बिठाना लेकिन तू बिठाएगा। दोनों तरह का समाधान भी करते जा रहे हैं, प्रारब्ध भी बताते जा रहे हैं, और आगे कहते हैं प्रारब्ध प्रबल होती है तू करेगा, मासा घटे न तिल बढ़े। और फिर आगे तू उस राजकुमारी को बैठाकर महलों में मत ले जाना लेकिन तू ले जाएगा। फिर अगर तू महलों में ले गया फिर उसको तू पटरानी मत बनाना लेकिन तू बनाएगा, तेरे कर्म में लिखा हुआ है। अगर पटरानी बना लिया वो एकादशी व्रत करेगी, उसको तू एकादशी व्रत करने से मना कर देना लेकिन तू कर नहीं सकेगा। जब उसके एकादशी व्रत पूरे हो जाएंगे तब उसका उद्यापन करना चाहेगी, तू उद्यापन तो उसका रोक नहीं सकता, लेकिन वो उद्यापन में 108 ब्राह्मणों को जिमाना चाहेगी, तू वहां बूढ़े ब्राह्मण लाकर बिठा देना। हाँ उसने कहा मैं ये कर सकता हूं पर जवान ब्राह्मणों को नहीं लाना, पर तू जवान ब्राह्मणों को लाएगा तेरे कर्म में लिखा हुआ है। तो सब कुछ होता चला गया। फिर आगे बताया कि जब बूढ़े ब्राह्मणों को लाकर बिठा दिया फिर जब जवान ब्राह्मणों को भी लाएगा, किसी बात पर ब्राह्मण अपने शास्त्र अर्थ की बातें करके हंस देंगे और रानी को क्रोध आ जाएगा, ये सभी ब्राह्मणों का शीश कटवा देगी और जनमेजे मैं तुझे बता रहा हूं तुझे कोड हो जाएगा, श्राप लग जाएगा, ये तेरे कर्म में लिखा हुआ है। जनमेजे ने कहा मैं ऐसा रोकने का प्रयास करूंगा, होने नहीं दूंगा। लेकिन सतगुरु भी तो किसी बात से कहते हैं मासा घटे न तिल बढ़े,
विधना लिखे जो लेख एक मासा भी घट नहीं सकता और एक तिल प्रमाण बढ़ भी नहीं सकता। होता चला गया, राज्य में घोड़ा आया, उस राजा उस पर बैठ गया, बैठकर दक्षिण दिशा में गया। उसने सोचा चलो सवारी कर लेता हूं, दक्षिण में नहीं जाऊंगा, चलो दक्षिण में चला जाता हूं, कोई कन्या मिलेगी उसको बिठाऊंगा नहीं, फिर बिठा लेता हूं, चलो पटरानी नहीं बनाऊंगा इसको। सब कुछ होता चला गया। 108 वृद्ध ब्राह्मणों को लेकर भोजन के लिए बिठा दिया गया। रानी को किसी ने आकर कान में फूंक मार दी कि जिसके दांत नहीं होते उसको स्वाद नहीं आता, और जिनको स्वाद नहीं आएगा उसका पुण्य क्या लगेगा भोजन का, तो जवान ब्राह्मणों को लाकर बैठाओ। तो उसके कान में जो फूंक मार दी, प्रारब्ध ने फूंक मरवा दी, तो उसने कहा नहीं मैं इनको भी जमाऊंगी, लेकिन मैं 108 नवीन जवान ब्राह्मणों को लाकर बुलाओ और उनको भोजन कराओ। उनको भी कराया गया, जवान ब्राह्मणों को बुलाया गया। जब उनको भोजन कराते के बाद रानी पूजा बांटने लगी तो पीछे से दो चार ब्राह्मण आपस में बातचीत कर रहे थे, उस बात पर हंस पड़े। जब रानी ने उनकी तरफ घूमकर देखा तो वो हंस रहे थे, उनकी भी दृष्टि रानी पर पड़ी और वो भी हंसते हुए रानी की तरफ देख रहे थे। तब रानी को बहुत क्रोध आया, हुक्म दे दिया राजा को, कहा कि हुक्म दो कि 108 ब्राह्मणों का शीश कटवा दिया जाए। 108 ब्राह्मणों का शीश कटवा दिया गया, इतनी बड़ी ब्रह्म हत्या हुई, ये लिखा हुआ था कर्म में। और उसके बाद जनमेजा को घोड़ा हो गया। फिर गए वेद व्यास जी के सामने पहुंचे कि महाराज मैं असहाय हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपने जो कहा था कि मासा घटे न तिल बढ़े वही हुआ, ना मासा घट सकता है ना तिल प्रमाण बढ़ सकता है, मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन जो मुझे घोड़ हो गया इसका कोई इलाज तो होगा। कहने लगे हां इलाज है, लेकिन तू वो भी नहीं कर पाएगा अच्छी तरह, क्योंकि वो भी तेरे कर्म में लिखा हुआ है। हां मैं प्रयास करता हूं, तुम ऐसे करना मैं तुझे महाभारत सुनाऊंगा, और तुमने सिर्फ सत वचन कहते रहना है, बीच में तर्क नहीं करना। अगर तुम सत वचन करते रहे तो अंत में जाकर महाभारत संपन्न होगी और तेरा कोढ़ शरीर से जा सकता है। तो उसने कहा ये तो नॉर्मल बात है, मैं करूंगा। अगर राजा थे, जनमेजा थे, अपने शरीर की ताकत, सेना की ताकत सबको जानते थे, सुनने लगे, कथा की व्यवस्था की गई, कथा सुना रहे हैं वेद व्यास जी और उधर जनमेजा बैठकर सुन रहे हैं। जब प्रसंग वहां पहुंचा, एक दिन आवेश में आकर भीमसेन ने 70 हाथी आसमान में पहुंचा दिया। कहने लगे नहीं ये तो कोरा झूठ है, इस बात को मैं नहीं मानता। वेद व्यास ने इशारा किया, लेकिन जनमेजा कहने लगा इस बात को मैं नहीं मानता, इतने बलशाली हाथी होते हैं, एक आदमी पूछ पकड़कर उसको आसमान में कैसे पहुंचा सकता। बस कहने लगे जितना कोड खत्म होना था अब तेरे पैर पर आ गया था कोड, ये रहेगा, ये खत्म नहीं होगा, तेरी कुल में जाएगा। वहां कोड़ रह गया नहीं, जनमेजे को कह दिया था वेद व्यास ने कि मैं इस कोड़ को संसार के अंदर से बीज नष्ट कर दूंगा, लेकिन अब बीज रह गया, वही बीज बहुत लोगों को भोगना पड़ रहा है। प्रारब्ध में जो लिखा है वो मिट नहीं सकता, हाँ लेकिन एक ताकत है जो उसको मिटा सकती है, वो है संत। बाबा गरीबदास जी आगे दो कदम आगे चल के कहते हैं भी मासा घटे न तिल बढ़े, विधना लिखे जो लेख, पर सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेट। कहते साफ कर देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं, सच्चा सतगुरु मिल जाए तो। इस बात को बढ़ाने के लिए पलटू साहब भी आगे आए। पलटू साहब ने कहा
पर टू लिखा नसीब का, उन्होंने कहा जो नसीब में लिख दिया, पर टू लिखा नसीब का, संत देत है फेर पर साच नहीं दिल अपना इस बिद लागी देर। कहते हैं जीवन में अगर कोई ऐसा पहुंचा हुआ संत मिल जाए तो नसीब के लिखे हुए को खत्म कर सकता, पर देर इसलिए लग गई कि हमें जा तो संत नहीं मिले, जा हमें विश्वास नहीं हो पाया, इस बिद देर लग गई। तो ऐसे कर्म हैं, अगर इतना ऊंचा सतगुरु मिल जाए तो कितने चक्कर काट कर हम एक जन्म में एक क्षण के अंदर पार हो सकते हैं अगर सच्चा सतगुरु मिल जाए। महाराज जी आगे लिखते हैं, दादू साहब बहुत ऊंचे संत हुए। दादू साहब गुरु नानक साहब के बहुत ऊंचे संतों में गिने जाते हैं। दादू साहब के बारे में सतगुरु किसी ने पूछा, महाराज दादू साहब पूर्ण संत हैं। तो महाराज जी कहने लगे, भाई जो सतगुरु है ना वो जीव को अपने जैसा बनाते हैं। फर्क इतना है, जो पारस है लोहे को सोना बना देता है, अपने जैसा नहीं बनाता। लेकिन संत क्या करते हैं, संत साधक को संत बना देते हैं, अपने जैसा बना देते हैं। दादू साहब भगवान राम की सेना में थे। जब उनकी सेना में एक सिपाही थे, करते करते सेवा कहां पहुंच गए, फिर दादू साहब बने कितने ऊंचे। महाराज जी कहते हैं गरीब दादू आदू आद के, कहते आदि के शुरू से, जब से सतयुग त्रेता युग लगा तब से दादू आदू आद के, आज काल के नाम लंका पर धावा हुआ दादू दल के मां। कहते उस समय भगवान राम की सेना में थे। लेकिन संतों का जो मार्ग है, एक तो मार्ग है अललपंत का मार्ग, जो भी साध्वी शील दीदी ने बताया था, यह भी थोड़ा सा भ्रम रहता है लोगों को कि विहंगम मार्ग को ही अललपंत का मार्ग कहते हैं। विहंगम मार्ग अपनी जगह है। विहंगम मार्ग है जो योगी मूलाधार को जगा लेते हैं, जगाकर फिर नाभि में आते हैं, नाभि से जो त्रिकुटी तक जाते हैं, उस मार्ग का नाम विहंगम मार्ग। लेकिन उसको मकरतार मार्ग भी कहते हैं, विहंगम मार्ग भी कहते हैं। वो सीधा यहां नाभि से उठकर त्रिकुटी में बैठ जाते हैं। लेकिन जो अललपंत का मार्ग है, महाराज जी उसके बारे में कहते हैं, गरीब कुंजी कच्छव अलल को किन समझाया ज्ञान, आड़ा पड़ता है नहीं हृदय अंतर ध्यान। महाराज जी कहते हैं ये हृदय का मार्ग है। हृदय में इतनी विशालता है, हृदय से हम आप आंखें बंद करके बैठ जाओ, एक मिनट में हृदय में रहने वाला आपका मन आपके घर पहुंच जाएगा। बॉम्बे कलकत्ते जहां जहां आप घूमे, एक मिनट में उस जगह पर पहुंच जाएगा। हृदय में इतनी क्षमता है, दीवारों को तोड़कर आगे निकल जाता है। आंखों से तो हम सीमा तक देख सकते हैं। आपको पता है जानवरों की आंखों में हमारी कितनी क्षमता है, हमारे से ज्यादा जानवरों की होती है। एक चींटी है जो हमसे ज्यादा क्षमता रखती है सूंघने की, कुत्ता भी सूंघने की क्षमता हमसे ज्यादा रखता है, और काग है हमसे ज्यादा देख लेता है दूर बैठे। और भगवान जब सीता माता अशोक वाटिका में बंद थी तो गीद दूर से बता दिया था, गीद ने के संपत्ति ने कितने योजन दूर से बता दिया कि देख करके सीता माता शोक वाटिका में बैठी है पेड़ के नीचे, उनकी दृष्टि हमसे भी ज्यादा है। लेकिन इस दृष्टि की बात नहीं करते, एक दिव्य दृष्टि होती है उसकी भी बात नहीं करते। पांच प्रकार की हमारी बुद्धि है। एक सामान्य बुद्धि है जिसमें दो प्रकार की बुद्धि आती है, मलिन बुद्धि और शुद्ध बुद्धि।
जो मलिन बुद्धि है वो सब राक्षस कहलाते हैं, शुद्ध बुद्धि वाले सब देवता कहलाते हैं। जो देवता हैं, शुद्ध बुद्धि वाले हैं, वो तलवार उठाकर किसी का गला नहीं काट सकते, लेकिन जिसकी बुद्धि मलिन है तलवार उठाकर दूसरे का गला काट देते हैं। यहां से हमारी बुद्धि की सीढ़ियां चढ़ती हैं ऊपर, क्षमता बढ़ती है, ये बुद्धि बढ़ती है हमारी, हम सूक्ष्म बुद्धि में जाते हैं। जैसे शील ने अगम बताया था, अगम बुद्धि, वहां तक पहुंचने के लिए हमें सीढ़ियों पर चलना पड़ता है, बुद्धि की क्षमता को बढ़ाना पड़ता है। हाँ, जहां भी रास्ता मिलता है बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। दूसरी बुद्धि है हमारी मेधा बुद्धि। जब पढ़ लिख कर व्यक्ति विद्वान हो जाता है तो उसकी मेधा जग जाती है, हम कहते हैं ये मेधावी पुरुष है। तीसरी बुद्धि आती है प्रतिभा बुद्धि। जब पिछले जन्मों की साधना हो, इस जन्म में हम पढ़ लिख कर विद्वान हो जाएं, दोनों चीज इकट्ठी हो जाएं, तो व्यक्ति की भीतर से प्रतिभा जाग जाती है, हम कहते हैं ये व्यक्ति कितना प्रतिभाशाली है। चौथी बुद्धि है प्रज्ञा बुद्धि। जब भीतर की आंख खुल जाती है, तीसरा नेत्र खुल जाता है, हम यहां बैठे बैठे, जिसका तीसरा नेत्र खुल जाता है, यहां बैठे बैठे सारे ब्रह्मांड को देख लेते हैं। जैसे जब पार्वती माता ने भगवान शिव के पास आकर कहा कि मैं भिक्षा लेकर नहीं आई, राम की भिक्षा लेने गई थी, तो भगवान शिव ने क्या किया, आंखें बंद की और तीसरे नेत्र से देखा। इस नेत्र से भूत भविष्य वर्तमान का सारा दर्शन हो जाता है। तो उन्होंने देखा, सारा दृश्य देख लिया कि पार्वती माता ने सीता का रूप धारण करके भगवान के सन्मुख जाकर जब निकलने लगी तो भगवान ने कहा, माते आज इस रूप में, तो शर्मा कर वापिस आ गई। तो शिवजी भोलेनाथ के पास जाकर बैठकर जब भोलेनाथ ने पूछा कि परीक्षा ली, तो पार्वती माता ने कहा नहीं ली, क्योंकि जब समय आता है ऐसा, सत्यवादी भी किसी कारण झूठ बोल जाते हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि इतनी हट से पार्वती गई थी कि मैं तो परीक्षा लेकर आऊंगी, तो अब मना कैसे कर सकते हैं। और पार्वती ये तो कभी जो मन में धार लिया कभी पीछे हटने वाले नहीं। तो भगवान ने सोचा कि दिव्य दृष्टि से देखना चाहिए, आंखें बंद की, तीसरे नेत्र से देखा, उस सारा दृश्य सामने आ गया। बस अंदर से त्याग लिया कि तुमने झूठ भी बोल दिया और सीता माता का रूप धारण कर लिया। ये दिव्य दृष्टि कहलाती है, जब प्रज्ञा बुद्धि जाग जाती है। उसके ऊपर ये सब जो बुद्धि है ये देवताओं को प्राप्त होती है। चाहे कितने बड़े से बड़े देवता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तक, सबके अंदर दिव्य दृष्टि होती है। एक पांचवी बुद्धि है रितंबरा बुद्धि। रित मैंने होता है सत्य, जो सत्य का दर्शन करा देती है। एक तो सत्य होता है जो बदल जाता है, एक रित होता है जो बदलता नहीं है, ये उससे भी दृढ़ सत्य है। जैसे आज कहेंगे गर्मी में सूर्य यहां से निकलता था, तो ये भी सत्य है, लेकिन ये बदल जाता है। सर्दी में सूर्य वहां से नहीं निकलेगा, दूसरी जगह से निकलेगा। ये जो सत्य है ये बदल जाता है, लेकिन रित कहते नियम को जो कभी बदलता नहीं है। सृष्टि के जो नियम बने हुए हैं उन्हीं के अनुसार हम बता देते हैं कि इतने दिन बाद सूर्य ग्रहण लगेगा, इतने दिन बाद चंद्र ग्रहण लगेगा। तो जो रित मैंने, जो वो सत्य है, जो रितंबरा बुद्धि जाग जाती है, जो सृष्टि के सारे विधानों की जगत माता है, वो बुद्धि जाग जाती है, उसको कहते हैं रितंबरा, जिसके अंदर परमात्मा का निवास है, जो परमात्मा को समेटे हुए, उस बुद्धि का नाम है रितंबरा, जो सत्य का दर्शन करा देती है वहां जाकर। इसीलिए हमारे जो पांच कोष हैं, सबसे पहले हमारा जो शरीर है, दूसरा मन है, तीसरा बुद्धि है जिसको विज्ञान में कोष कहते हैं,
ना तीसरा प्राण है, चौथा विज्ञान बुद्धि, विज्ञान में कोष, जो पांचवा कोष कहलाता है उसको आनंद में कोष कहते हैं। बुद्धि से भी परे सत्य है जो आत्मा है, साक्षी है सबका। जब हम वहां पहुंच जाते हैं तो आनंद में कोष में चले जाते हैं। तो महाराज जी कहते हैं सबसे पहले हम जब अभी जो आपको अलग पंख के मार्ग के बारे में बताया था, क्योंकि वो हमें थोड़ा उसका नॉलेज होनी चाहिए। जो उसकी गंभीर बातें हैं तो वो तो गुरु महाराज की आज्ञा होती है, उसको बता नहीं सकते, लेकिन उसके स्पर्श तक आप जैसे संतों ने पानी में लिखा उतनी कह सकते हैं। जो विज्ञान, जो विहंगम मार्ग है, ये मार्ग है हमारी जो सुषुम्ना है, ये यहां से चलकर रीढ़ की हड्डी के अंदर से मूलाधार के पास जाकर तीन पेच पड़े हुए हैं। महाराज जी लिखते हैं तीन पेच है कुंडली नाभि के पासा, जाके मुख से निकले झलकनी अकाशा। तीन पेच मारे हुए सुषुम्ना नाड़ी, उसी के अंदर कुंडली शक्ति है। तीन पेच मारे हुए यहां मूलाधार के पास कुंडली सोई हुई होती है नाड़ी के अंदर। ये यहां से बंकी है, इसलिए सुषुम्ना नाड़ी को यहां बंक नाड़ कहते हैं। और ऊपर मस्तिष्क में भी सामने से बंकी है, यहां से घूम कर आती है, इसको भी बंक नाड़ कहते हैं। एक बंक नाड़ नाभि के पास है, एक बंक नाड़ यहां हो गई। दोनों की चर्चा सतगुरु करते हैं। जब यहां की त्रिपुटी के पास की चर्चा करेंगे तो सतगुरु कहते हैं बंक नाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर, जहां इशारा कर देंगे कि जो गंगा जमुना सरस्वती है इसके बिल्कुल सीध में जो बीच का संगम है, मैं इसकी बात करता हूं, जहां से सुषुम्ना का कपाट खुल सकता है। ये विहंगम मार्ग है। जैसे हमारी दोनों दृष्टि से हम बाहर को देखते हैं, लेकिन आपको पता है कि पीछे जो देखने वाला मस्तिष्क के अंदर बैठा है वो एक है और दोनों आंखों से देख रहा है। अंदर एक है और दोनों दृष्टि की धारा से बाहर देख रहा है। आप एक आंख बंद कर लेंगे तो एक आंख से देखेगा, दोनों आंख खुली रखेंगे तो दोनों से देखेगा। लेकिन दोनों आंखों से जब हम देखते हैं पीछे नाक होता है, लेकिन हमारे देखने में कहीं दीवार नहीं मिलती सामने, नहीं तो अलग अलग दिखना चाहिए, इस आंख का अलग इसका अलग, लेकिन देखने वाला भीतर एक है। जहां जिस बिंदु पर बैठा देख रहा है वो कौन देख रहा है? मन। वो उस गुफा में जिसमें बैठा देख रहा है उसको गुफा को क्या कहते हैं? भंवर गुफा। उसको भंवर क्यों कहते हैं? क्योंकि भंवर कहते हैं भौरे को, जो मन है ये को भौरा है। यहां हमेशा हमारी दोनों आंखों के पीछे आज्ञा चक्कर में बैठा रहता है, भौर गुफा के उरले किनारे पर, गुफा के पहले सोर पर बैठा रहता है। वहां से आंखों से रूप देखता है, वहां चला जाता है, कानों से सुरीले शब्द सुनता है तो वहां उसको देखने चला जाता है। फिर बार बार पांचों इंद्रियों के जो नौ द्वार हैं इनकी तरफ सारा दिन भटकता रहता है। अब आपको ये सुनाते हैं कि महाराज जी ने अरल पंथ का मार्ग किसको कहा और विहंग मार्ग किसको कहा। विहंग मार्ग का मतलब है कि आपने सुषुम्ना को यहां से प्रवेश करना है। तो क्या करते हैं? अनहद नाद को सुनकर यहां से प्रवेश करते हैं। एक तो हम शब्द का जाप करते हैं। महाराज जी कहते हैं शब्द शब्द बहु अंतरा, वह तो शब्द विदेह जिभ्या पर आवे नहीं निर्ख परख कर दे। शब्द कौन से हैं? एक तो हम शब्द का जप करते हैं, उसका तो शरीर होता है, जैसे आप ओम का करें, सोहम का करें, राम का करें, इनके तो शरीर हैं, शब्द बने हुए हैं। पर सतगुरु किसका कहते हैं? ग्रीव शब्द शब्द बहु अंतरा, वह तो शब्द विदेह जिभ्या पर आवे नहीं निर्ख परख कर देह।
वो शब्द कौन सा है? महाराज जी कहते हैं वर्णात्मक शब्द नहीं है, ध्वनात्मक शब्द है, ध्वनि है। ध्वनि कहीं नहीं जाती, बोली नहीं जाती, उच्चारण नहीं होता, उसका जप नहीं होता, ध्वनि को सुना जाता है। सुना कैसे जाता है? हम तो बाहर इतनी ध्वनियां सुन रहे हैं, लेकिन बाहर की ध्वनियों को कानों को बंद किया जाता है। वहां सदगुरु इशारा बताते हैं कि कैसे सुना जाता है। जब हम सुनने लगते हैं, सुनते सुनते नौ प्रकार के नाद इस सृष्टि के पहले आते हैं जो परमात्मा के दर पर हो रहे हैं। दसवां नाद आता है, धीरे धीरे उसको सुन सुन कर हम परमात्मा की तरफ जाते हैं। जो नौ नाद हैं वो सृष्टि के माया के अंदर के नाद हैं, लेकिन जो दसवां नाद उनके पीछे मिलता है जिसको सत्य नाम बोलते हैं, वो सृष्टि के अंदर का नाद नहीं, वो परमात्मा का नाद है, उसे अनहद नाद कहते हैं। हद का मतलब है जो सीमा के अंदर है, प्रकृति के अंदर है, माया के अंदर का नाद है, उसको हद नाद कहते हैं। जो माया से परे का नाद है उसको क्या बोलते हैं? अनहद नाद। तुम्हारा जो कहते हैं लाग्या सुखमन कुंची ताला, अनहद शब्द उठे झनकार। कहते हैं जो प्रकृति सूक्ष्म प्रकृति के नाद है इस माया से परे, पहले तो अष्टंगी माया है जिसने ये संसार को रचा है, इसके जो नाद हैं पहले वो सुनाई देते हैं। फिर महाराज नहीं, इसको छोड़कर जो प्रकृति के नाद है वो सुनाई देते हैं। फिर जब निर्मल प्रकृति भी समाप्त हो जाती है उसके परे का नाद शुरू हो जाता है, जिसको सुन सुन कर वो नाद हमें परमात्मा के पास ले जाता है। वो नाद कौन सा है? गुरु नानक साहब ने उच्चारण किया एक ओंकार सत नाम। ओंकार एक परमात्मा एक है, ओम उसका सच्चा नाम है, ओंकार उसका सच्चा नाम है। एक ओंकार सत नाम ये उसका सच्चा नाम है। कर्ता पुरुष के जो कुछ करने वाला है सृष्टि के अंदर उसी शब्द ने किया है, शब्द ने सृष्टि रची, शब्द ने सब मानसों को रचा। और महाराज जी कहते हैं सबको रचकर आकर सिमटना भी है उसी शब्द में आकर सिमटना है। इन दी बिगनिंग वाज दी वर्ल्ड, दी वर्ल्ड वाज विद गॉड एंड दी वर्ल्ड वाज गॉड। आखिर में परमात्मा शब्द जो है परमात्मा के साथ था, शब्द ही परमात्मा था। लेकिन महाराज जी कहते हैं कबीर साहब साधो शब्द साधना कीजे, जेहे शब्द से प्रगट भय सब सोई शब्द कह लीजिए। जिस शब्द से सारे प्रगट हुए थे, किसमें कहा? ओम से सब प्रगट हुए थे, सतनाम से सब प्रगट हुए थे, हमने आखिर में सतनाम में जाकर मिल जाना। महाराज जी कहते हैं गरीब असन बसन को साध गगन में चढ़ जाना, कर दुनिया से दिल दूर शब्द में मिल जाना। कहते हैं असन को बसन को सब को त्याग कर, जिसमें हम बंधे हुए हैं इनको त्याग कर आखिर जाकर जिस शब्द से प्रकट हुए थे उसी शब्द में जाकर मिलना है। लेकिन ये बहुत ऊंची साधना है, ये अललपन की साधना है। धुन को सुनना, धुन को पकड़ना, धुन को वही पकड़ाएगा जो सतगुरु होगा, जो उस धुन को समझेगा सुनेगा और उसका अभ्यास करता होगा। बाहर जो मायक शब्द हैं उनसे हमारा कल्याण नहीं होता। और महाराज जी कहते हैं गरीब जैसे सील ने कहा था अललपन का चीकला घर पावेगा सोए। अललपन का जो मार्ग है ये दादू साहब पलटू साहब उसके बारे में इशारा कर रहे हैं, उल्टा कुआं गगन में। पलटू साहब कहते हैं ये शरीर का शब्द नहीं है। पलटू साहब कहते हैं जब हमने ध्यान किया, विदेह का ध्यान किया, सुन में ध्यान किया, तो मैंने जैसे ध्यान किया तो ऊपर जहां जहां धुन आ रही थी वहां चारों तरफ अंधकार था, जहां धुन आ रही थी वहां प्रकाश हो गया, मैं परमात्मा की तरफ देख रहा था सुरती से। उल्टा कुआं गगन में, तो ऐसा उल्टा कुआं बन गया। तामे जरे चिराग
तामे जरे चिराग बिन रोगन बिन बत्ती छह ऋत बारह मास रहे जलता दिन राती। फिर आगे पलटू साहब कहते हैं, निकसय एक आवाज चिराग की ज्योति माही, पर ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता ना। हम सोचे चलते फिरते सुन लेंगे, चलते फिरते तो वो सुनता है जो सत्ता पर बैठ जाता है। वो तो जहां भी देखेगा अपने परमात्मा को देखेगा जो सत्ता पर पहुंच गया। क्योंकि जब व्यक्ति को इस दुनिया को सुनकर आत्मा में बैठ जाता है, उसको देह का अभिमान छूट जाता है और सब जगह वो परमात्मा को देखने लगता है। वो तो उसका फल है। शास्त्र ने भी कहा, देहाभिमान ने गलते ज्ञाने ने परमात्मा ने, जंतर जंतर मनोजाति तत्र तत्र समाधि है। जैसे रामकृष्ण परमहंस कई दफा भाव विभोर भक्ति में और समाधि में भाव विभोर होकर प्रकृति की कैसी कला देखकर परमात्मा को कहते थे, प्रभु कैसी लीला, कहां कहां तू किस रूप में छिप रहा है, कहां कहां प्रकट हो रहा है, कभी तू जड़ के रूप में कभी चेतन के रूप में। जो सत्ता को समझ लेता है वो जड़ और चेतन में उसी का रूप देखता है। और जड़ चेतन में रूप कैसे दिखेगा, जब वो कार्य कारण भाव को समझ जाएगा। क्योंकि शब्द ने सृष्टि रची है, शब्द ने रचा ये सारी सृष्टि, परा प्रकृति है जिसको परमात्मा कहते हैं, सोहम भगवान कृष्ण, सोहम गरीबदास जी सोहम कहते हैं, भगवान कृष्ण परा प्रकृति कहते हैं और भगवान कृष्ण जी इसको अपरा प्रकृति कहते हैं, जड़ कहते हैं, संत उसको ओम कहते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि मैं अपनी पर और अपरा प्रकृति के द्वारा सृष्टि की रचना करता हूं, और गरीबदास जी कहते हैं हमने ओम सोहम द्वारा सृष्टि की रचना की। मतलब परमात्मा इन दोनों की रचना करता है, सृष्टि के इन दोनों के द्वारा। लेकिन हमारा करने वाला क्या है, उम्र थोड़ी है, समय थोड़ा है, जीवन कम है और काम इतने हैं जो सारा जीवन भी खत्म नहीं हो सकते। फिर जब इतना समय कम है हमारे पास, इतनी उम्र कम है, तो हमें क्या करना चाहिए जो हम थोड़े में बहुत कर सकें। एक व्यक्ति ने कहा, मैं तो बहुत जल्दी बॉम्बे पहुंचना चाहता हूं लेकिन मेरे पास तो साइकिल है। एक आदमी ने कहा, भी तू एक काम कर, मेरे पास दो दिन काम कर ले, साइकिल पर तू वहां नहीं पहुंच सकता, महीनों लग जाएगा, तू मेरे पास दो दिन काम कर ले, तेरे पास हुनर है, मैं उस हुनर का तेरे को उतना पैसा दूंगा, तू जहाज की टिकट कटा वहां पहुंच जा, दो दिन में पहुंच सकता है। वो व्यक्ति दो दिन काम करके तीसरे दिन जहाज में बैठकर बॉम्बे पहुंच गया। तो ऐसे तरीके भी हैं जो सत्य तक जल्दी जाया जा सकता है, ऐसे तरीके भी हैं जहां लाखों करोड़ों जन्मों तक बैठे ऋषि मुनि जंगलों में। मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूं। महाराज गरीबदास जी के पुत्र थे जयतराम जी। जयतराम जी पिछले जन्म में योगी थे, एक पर्वत के ऊपर एक अपने और साथी के साथ तपस्या कर रहे थे, योग कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, हठ योग कर रहे थे। हठ योग क्या होता है, योगी क्या करते हैं, नाभि में प्राण को रोकते, रोकने का प्रयास करते हैं, नाभि को खोलने का प्रयास करते हैं। जब नाभि को खोलने का प्रयास करते हैं तो नीचे मूलाधार में एडी लगाकर प्राण अपान वायु को रोकते हैं, प्राण और अपान को एक करने का प्रयास करते हैं। जब प्राण अपान एक हो जाता है तो योगी क्या करते हैं, नाभि खुल जाती है और नीचे जो तीन पेच कुंडलनी है, सुषुम्ना नाड़ी है, जो तीन पेच मारे वो सीधी होकर नाभि में जुड़ जाती है और योगी अपने प्राण चेतना को लेकर उसी के अंदर समाधिस्थ हो जाता है, उसी के अंदर गर्क हो जाता है। फिर मेरुदंड के रास्ते चलता है, आगे जाकर ब्रह्मरंध्र का द्वार खोलकर सहस्रार में जाकर समा जाता है अपनी चेतना में, पूर्ण चेतना जहां है, जहां आत्मा है, जहां साक्षी है, उसमें जाकर समा जाता है। सारी चेतना एक कट्ठी होकर वहां चले जाते हैं, उसमें लाखों जुगों तक बैठे रहे। देखो महाराज जी,
एक शब्द कहते हैं, ग्रीब कंचन कजना सहज है, बैठकर क्या करते हैं, इतने युग तक तप करके भी ये दो चीज नहीं छूट पाती। ये छूटे तो हम उस सब तक पहुंचे, क्योंकि हम एक कदम उधर को चलते हैं, दूसरा कदम हमें आगे आकर घेर लेता है। महाराज जी कहते हैं, ग्रीब कंचन कजना सहज है, सहज क्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। देखो ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं, सब कुछ छोड़ के जंगलों में चले गए, तप किया, विद्या हासिल की, लेकिन तप करके भी उस पद पर नहीं पहुंच पाए। क्यों? जैसे विश्वामित्र थे, काश्यप 1000 वर्ष ऐसा सुना उन्होंने तप किया, 61,000 वर्ष तप करने के बाद विश्व वशिष्ठ जी के सामने जाकर कहा कि मुझे ब्रह्म ऋषि कहना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि आप अस्त्र शस्त्र पहनकर आते हैं, आपको ब्रह्म ऋषि नहीं कहा जा सकता, आप राज ऋषि रहेंगे। लेकिन वो उसे छूटता नहीं था। तो फिर थोड़े दिन बाद उन्होंने अपने सोचा कि मैं दबाव में आकर उनसे ये शब्द कहलवाऊं। उन्होंने वशिष्ठ के उनके द्वारा 100 पुत्र मारे गए। एक दफा चांदनी रात में वशिष्ठ जी विराजमान थे, उनकी धर्मपत्नी के सामने चर्चा चल रही थी, उधर विश्वामित्र भी सोच रहे थे आज मैं वशिष्ठ को अंतिम फैसला है कि उनको भी खत्म करके आऊंगा, और पीछे छिपकर बैठा सुन रहा था, देख रहा था, मौके की तलाश कर रहा था। तो जैसे वशिष्ठ जी से धर्मपति ने पूछा कि जैसे आज चांदनी रात है, चंद्रमा जैसे शोभा दे रहा है, क्या कोई ऐसा तपस्वी है जिसका इतना तप शोभायमान हो? तो वशिष्ठ जी ने कहा ऐसा तपस्वी तो एक विश्वामित्र है। उनकी प्रशंसा की। जब दुश्मन से, जिसको अपना दुश्मन मान रहे थे, पर्दे के अंदर अपनी प्रशंसा सुनी, तो विश्वामित्र ने अपने अस्त्र शस्त्र उतार कर जाकर वशिष्ठ जी के चरण पकड़ लिए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, आओ ब्रह्म ऋषि, मैं तो इसी प्रतीक्षा में था। कहने लगे, महाराज आज आपने जो शब्द कहा, अगर पहले कह देते तो ये सारा मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वशिष्ठ जी कहने लगे, तब तू मेरे सामने अस्त्र शस्त्र पहनकर आता था, मैं सत्यवादी हूं, मैं वही बात कहूंगा जो यथार्थ है, तो तू अस्त्र शस्त्र पहनकर आता था, मैं तुझे राज ऋषि कहता था, अब तुम सब उतार कर आए हो, अब तुम ब्रह्म ऋषि हो। तो फिर कहने का मेरा अभिप्राय है कि 100 पुत्र 61,000 वर्ष तप करने के बाद भी जो किसी की हत्या हो सकती है वो क्यों होगी? क्योंकि हम जब परमात्मा को सब जगह नहीं देखेंगे तभी हम किसी की हत्या कर सकेंगे, किसी को मार सकेंगे। लेकिन इतने तप करके भी, इतना तप करके क्यों नहीं मिला? क्योंकि जीवन में सद्गुण नहीं मिला, सद्गुण मिलना सहज नहीं है। इसीलिए सद्गुण ने कहा, लखवर सूरे जूझहीं, लखवर सावंत दे, लखवर जति जहान में, जब सद्गुण संगत ले, जब जाकर भी सद्गुण की संगत के बराबर नहीं है। तो महाराज गरीबदास जी जब कबीर साहब मिले, महाराज ने तो यहां लिखा, गरीबदास पत्थर फटे जब सतगुरु मिले कबीर। पता नहीं कितने जन्म जन्मांतरों के भ्रम थे, सब दूर हो गए, समाधि लग गई गरीबदास जी की, समाधि लग गई, सत्ता पर पहुंच गए, कबीर साहब मिले और सचखंड में ले गए, सारा दिखाया, फिर वापिस छोड़ा, और फिर गरीबदास जी ने 24,000 वाणी में वही कहा जो देख कर आए थे, जो अनुभव कर लिया था, जो दिव्य दृष्टि से सारा देख चुके थे। तो जयतराम जी पर्वत पर बैठे तपस्या कर रहे थे दोनों ऋषि, तो नारद मुनि आए, कहने लगे, प्रणाम किया, मेरे ऋषि दर्शन हुए आपके, हम तो युगों से बैठे ना, 200 साल हो गए बैठे तपस्या कर रहे हैं, लेकिन हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सके, हमने जो पढ़ा था सुना था उतना तो हम कर रहे हैं। नारद जी ने देखा कि इनकी लगन तो बहुत है, उन्होंने कहा आप ऐसे करें, आप अब तक हठ योग से चल रहे थे, ये बहुत लंबा रास्ता है,
अब सतगुरु गरीबदास जी प्रकट हुए छुड़ानी धाम में, आप वहां जाएं, उनके यहां पुत्र रूप में प्रकट हो सकते हैं आप। तो जयद्राम जी आए हो ना, जो जयद्राम जी का पूर्व शरीर था सूक्ष्म शरीर से, उसमें से निकल आए, उस शरीर को अपने मित्र को सौंप आए कि जब तक मैं ना आऊं मेरे शरीर की रक्षा करना। आप आगे गरीबदास जी के आकर जन्म ले लिया, यहां आकर महाराज जी से सहज योग सीखा, परमात्मा को पा लिया। जब एक दफा जयद्राम जी नूर महल में गए हुए थे, उनका समय पूरा हो गया, जो बात 400 साल में नहीं बनी थी और महाराज जी के सामने सालों में खेलते खेलते नॉर्मल रूप से वहां परमात्मा की प्राप्ति कर ली। बाबा जी के 125 शिष्य थे जो परमात्मा को पा चुके थे। फिर जब वहां गए तो एक दिन महाराज जी कहने लगे कि हम शरीर छोड़ेंगे जयद्राम जी। तो कुछ भक्त खड़े होकर कहने लगे, महाराज ऐसे तो किसी को स्वप्न में दिख जाए कह देते हैं मैं कल शरीर छोड़ूंगा, हम तो जब मानेंगे जब 3 साल के बाद इसी जगह शरीर छोड़ोगे। तो भक्तों के हट से महाराज जी ने सोचा, इतना जितना उपदेश इनको दिया है अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ये उस बात को मानेंगे नहीं। तो 3 साल, जब 1.5 साल बीत गया तो जो पहाड़ में महात्मा थे जिन्होंने उनके शरीर को संभाल के रखा हुआ था, उन्होंने अपने शिष्य को भेजा कि जाओ जयद्राम जी से कहकर आओ, आपकी अवधि पूरी होकर भी 1.5 साल ऊपर चला गया। जब वहां उनका शिष्य पहुंचा तो महाराज जी कथा कर रहे थे, आप जैसे भक्त सामने विराजमान थे। तो महाराज जी के जब कथा समाप्त हुई, उसने आज्ञा ली, सामने आया, कहा महाराज जी मेरे को फला महात्मा ने भेजा है कि आपका समय तो पूरा होकर 1.5 साल ऊपर चला गया, आपने तो आना था उस शरीर में। तो जयद्राम जी कहने लगे मुझे 1.5 साल और लगेगा, मैंने 3 साल का समय दिया। तो तब फिर 3 साल पूरे करने के बाद जयद्राम जी वहां वापिस उस शरीर में चले गए। इस समय एक महाराज जी के शिष्य थे गरीबदास जी के, धारी राम जी। जब अबोहर में संत मस्तनाथ जी थे, बहुत सिद्ध महात्मा थे, उन्होंने सोचा मैं भिक्षा तो लूं, ये संसार के काम भी करते हैं और इनको भगवान भी मिल जाता है, ये कितना सहज है, लोगों को बता रहे हैं कि हमें तो भगवान मिल गया, तो मैं भिक्षा तो लूं जाकर। तो मस्तनाथ जी वहां पहुंचे, उन्होंने कहा गरीबदास जी को कि तुम जाकर संतों की निंदा करते हो, ऐसी ऐसी बातें संतों के प्रति कहते हो। महाराज जी ने कहा मैं तो संतों के लिए कहता हूं साधु माई बाप है, साधु भाई बंद, और साध मिलावे राम से काटे जग के फंद, मैं तो ये बात कहता हूं। कहने लगे नहीं, मैंने सुना है कि भेखों के लश्कर फिरे पानी चोर कठोर, सतगुरु धाम न पहुंच ही 84 के ढोर, आप हमें 84 के ढोर बता रहे हो। कहने लगे वो मैंने सही बात कही है, जब तक परमात्मा नहीं मिलता, जब तक परमात्मा का सही रास्ता नहीं मिलता, अगर कोई व्यक्ति अंधेरे में रास्ता खोज रहा है वो तो 84 में जाएगा। तो जब 84 लाख जूनियों जूनी बार बार 84 में जो गई हुई है, पशु पक्षी सारे 84 में जा रहे हैं, तो मैं फिर और क्या कहूंगा। मैं उनके लिए कहा जिनको रास्ता नहीं मिला, मैं तो कहा 84 से ढोर जिनको रास्ता नहीं मिला, जो कर्म कांड में होते हुए। फिर वो कहने लगे अच्छा नहीं मानते तो एक मुदगर पड़ा था आकाश में फेंक दिया, कई जोजन ऊपर चला गया। तो कहने लगे अगर आप में ताकत है इसको उतार के दिखाओ। गरीबदास जी ने अपने शिष्य धारी राम से कहा भाई सिद्ध जी आए हैं, इनका मुदगर उतार दो। तुरती धारी राम जी ने कई जोजन लंबा भुजा करके और मुदगर पकड़कर हाथ में दे दिया सिद्ध जी को। ये जो ताकत थी ना तो समाधि लगाने से आई है कि हम हजारों वर्ष तक बैठे रहे ध्यान में सिद्धासन लगा ले, लेकिन ये कैसे मार्ग मिलता है। महाराज जी कहते हैं बंदगी से मिलता है, आधीनगी से मिलता है।
जिस व्यक्ति के अंदर विनम्रता आ गई, दया आ गई, विनम्रता आ गई, अधीनगी आ गई और बंदगी आ गई, जिसके अंदर ये गुण आ गया और उसको कोई ऐसा पहुंचा हुआ सत्य मिल जाए निराभिमान व्यक्ति को, वो व्यक्ति थोड़े समय में इस संसार से पार होने की विद्या समझकर पार हो जाता थोड़े समय में। तो महाराज जी हमारे इसमें बहुत बड़े संत हैं। एक तो सुषुम्ना है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर से सुषुम्ना नाड़ी नीचे तक मूलाधार तक जाती है, इस रास्ते जो चलते हैं उसको बोलते हैं पपील का मार्ग। दूसरा है कपी मार्ग जो कमलों को जगाकर ऊपर को जाते हैं। जैसे आपने कभी बंदर देखा, पहले एक टहनी पर टपूसी लगाएगा, फिर उससे और ऊपर टहनी पर लगाएगा, फिर तीसरी टहनी पर लगाएगा, ऐसे ऊपर लगाते लगाते शिखर पर पहुंच जाता है, उसको कहते हैं कपी मार्ग संतों के मार्ग में। और एक है मीन मार्ग, मीन मार्ग उसको कहते हैं, जैसे आपको पता है ना जिधर से पानी आते हैं मछली उठ के उस साइड में चली जाती है, तो हमारी सुरती कहां से उतरी है, हमारी सुरती परमात्मा से उतरी है। जैसे जैसे हमारी सुरती नीचे आई ये इसने इतना बड़ा जाल फैला दिया, ये सारा संसार जो है ये सुरती ने फैलाया हुआ है। ये कैसे, जैसे मैं आपको बताऊं संसार दो तरह का है जो आपके समझ में आएगा कि सुरती ने कैसे फैला दिया। ये संसार दो तरह का है, एक तो ईश्वर का बनाया हुआ संसार है, दूसरा हमारी सुरती का अर्थात मन का बनाया हुआ संसार है। मन का संसार, सुरती का संसार कौन है, जिस ताजपोशी में उड़ते रहते हैं मैं मेरी से, जैसे ये मेरा बेटा है, जो बेटे पर मैं लगा ये मेरा संसार हो गया, ये परमात्मा का नहीं रहा। वैसे तो हार्ड मास इसका जो बना हुआ ये तो ईश्वर का संसार है, आप सब ईश्वर के संसार में बैठे हैं, जितना नदी नाले पर्वत पहाड़ सब ईश्वर का संसार है, लेकिन इसके बीच में हम अपना संसार बना लेते हैं, अपना संसार बनाकर उस उधेड़ गुण में फंसना शुरू हो जाते हैं। अपना संसार कौन सा है, गोस्वामी जी कहते हैं मैं और मोर तोर ते माया जे बस कीने जीव निकाया, मैं मेरी तेरी में संसार बना लिया, ये बेटा मेरा है, ये बहन मेरी है, ये जमीन मेरी है, इसमें हमने जहां मेरा रख दिया उसमें किसी ने उंगली टेक दी तो मरने कटने को राजी हो जाएंगे। और जहां मेरा नहीं है, संत क्या करते हैं, पहले तो सारे संसार से जमीन जायदाद बेटा बेटी स्त्री पुत्र बहन भाई से मेरी को हटा लेते हैं, जब मेरी तो हट गई फिर मैं रह गया, मैं डीएसपी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं भारतीय हूं, ये जो मैं लगी हुई है मैं से मैं बिखरता चला गया, मैं पहलवान हूं, मैं इतना शक्तिशाली हूं, फिर इस शरीर के कारण जो मैं बदलती रहती है, पद के कारण जो मैं बदल जाता है, जाति के कारण जो मैं बदल जाता है, देश के कारण जो मैं बदल जाता है, इन सब से सिमटना शुरू करते हैं। जब इनसे सिमटते हैं, सिमटते अगर सिमटने के लिए सतगुरु की तो सेवा मिल जाए और परमात्मा का सतगुरु ध्यान बता दे खुश होकर, तो महाराज जी कहते हैं छिन में उतरे पार। महाराज जी कहते हैं छिन में भी पार हो सकता है व्यक्ति, महाराज कहते हैं सब जुगन की बाट थी पल में दही लिखाए, सब जुग लगते थे उस परमात्मा तक जाने में लेकिन छिन में दिखा दिया। किस तरह, जो गुरुमुख व्यक्ति है जिसके अंदर विनम्रता है वो अलग पद के मार्ग से चल सकता है। अभी मैं जो बात बता रहा था कि अलग पंख में सुषुम्ना हार्ड मास की नहीं होती, एक तो हार्ड मास की सुषुम्ना है अंदर, एक नूर की सुषुम्ना है जिसके अंदर, जिसकी अंदर जब जागृत होती है शरीर से बाहर दिखती है, नूर की सुषुम्ना दिखेगी उसके अंदर नाम चलेगा, वह नाम शरीर से बाहर होगा, वह नाम विदेही कहलाएगा,
उसके सहारे धुनि सुनने लगेगी, उसके सहारे उसी के अंदर प्रकाश के अंदर हम पहुंचकर परमात्मा के दर तक इतना सुगमता से पहुंच सकते हैं जो लाखों युग में नहीं पहुंचे वो क्षण मात्र में पहुंच सकते हैं। ये सिर्फ एक इशारा है जो सतगुरु आगे मुंह बंद कर देते हैं कि इससे आगे इस रास्ते पर बोल नहीं सकते। ये सिर्फ इशारा है कि आप जो संतों की साधना है वो हार्ड मास की जो सुषुम्ना है उसकी साधना नहीं है। संतों की साधना है जो नूर की सुषुम्ना है, इस शरीर से बाहर दिखाई देती है, वो साधना भी शून्य की साधना है। साधो शून्य ध्यान मन माना, तो गरीब दादी कबीर साहब दादू साहब बार बार इस बात को महाराज जी कबीर साहब को कहते हैं कि मैं सहज सुन मन सुमरते, मैं सहज शून्य में सुमरण कर रहा था, सहज शून्य मन सुमरते प्रकट भई एक जोत, जा सतगुर की मैं बलिहारी निरालंब जो होत। कहते मैं सहज उसे सुन में उस नूर की सुषुम्ना के अंदर बैठा सुमरण कर रहा था, वहां सतगुरु प्रकट हो गए। कबीर साहब जब सतगुरु प्रकट हो गए, सहज सुन मन सुमरते प्रकट भई एक जोत, उस ज्योति के अंदर सतगुरु प्रकट हुए, ता सतगुरु की मैं बलिहारी निरालंब जो हो। जो ज्योति के अंदर सतगुरु प्रकट हुए वो किसी शरीर के सहारे नहीं थे, किसी कमल के सहारे नहीं थे, सिर्फ निरालंब थे, कोई आसरा नहीं था, सिर्फ अदर के ऊपर उनका आसन था, ज्योति के अंदर उनके दर्शन थे। ऐसे ही सतगुरु गरीबदास जी को जब कबीर साहब मिले, सतगुरु कहते हैं भंवर गुफा में बैठकर अमी महारस जोग, जब मैं बार बार भंवर गुफा में बैठकर अमी महारस मतलब 24 घंटे नूर में खेल रहा था, नाम सुमरण कर रहा था, बस सतगुरु प्रकट हो गए, मुझे मैंने दर्शन किए और मैं निहाल हो गया और मुझे पता नहीं रहा, रो रो अखियों में पता नहीं कितने आंसू हुए। महाराज जी कहते हैं कि सतगुर हमसु रीज कर एक कहया प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। कहते सतगुर ने खुश होकर कुछ ऐसी बातें कही, वो भी तेज पुंज के थे, मैं भी तेज पुंज का बन के वहां पहुंचा और ऐसे प्रसंग मुझे कहा कि प्रेम इतना प्रेम जागृत हुआ, इतने आंसू बहे तो जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो ये तो बातें हैं संतों की, संतों का मार्ग बहुत ऊंचा है। मैं तो कहता हूं आप धन हैं जो तो ऐसी चर्चा को सुनकर बिल्कुल शांत होकर बैठे हैं, नहीं तो लोगों को ऐसी चर्चा चाहिए जो चरपड़ी चर्चा होती है। मैं देख रहा हूं बिल्कुल शांति से आप बैठे हैं, मैं तो आपको प्रणाम करता हूं कि इतनी शांति इतनी सहजता से आप सुन रहे हैं, आप धन हैं। तो आज ये प्रोग्राम टाइम हो गया, जो प्रोग्राम रोहतक की संगत ने कराया, बड़ी खुशी होती है इनके भाव को देखकर, जहां भी प्रोग्राम होता है बाहर जाकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, यहां भी कितने खुशी से सेवा कर रहे हैं। मैं तो गदगद हो जाता हूं अंदर बैठकर इनकी बातें सुनकर देखकर सेवा को देखकर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, सतगुरु से प्रार्थना करता हूं सभी अपने दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, परमात्मा आपको शांति बख्शे सुख बख्शे और सतगुरु के चरणों का प्यार बख्शे, मैं तो यही सोचता हूं। इन्हीं शब्दों द्वारा मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।